नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, यदि आपकी दुकान को किसी ने बांध दिया, तंत्र मंत्र के द्वारा, टोने टोटके के द्वारा, जादू मंत्र के द्वारा, किसी के द्वारा भी अगर बांध दिया, तो उस दुकान को आज हम खोल देंगे। हम क्या खोल देंगे? खोलने वाले तो भगवान है। हम तो आपको तरीका बता देंगे तो आप दुकान को तबीयत से खोल सकते हैं, और खोलने के बाद में दुकान फर्स्ट क्लास चलेगी, और फर्स्ट क्लास चलेगी तो ग्राहकों के खड़े रहने के लिए जगह नहीं बचेगी, और खड़े रहने के लिए जगह नहीं बचेगी तो आपको दुकान बड़ी करनी पड़ेगी, स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, फिर धन संपत्ति खूब मजा आएगा, आनंद आएगा। लेकिन ये सब बातें सुनने में प्यारी लगती है, जब किसी की दुकान नहीं चलती है, खूब पैसा लगाता है, 20 लाख 50 लाख सामान लेके आए और दुकान नहीं चलती है, कोई ईर्ष्या से तंत्र मंत्र करवा देता है, कोई ईर्ष्या से दुकान को बंधवा देता है। देखिए दोस्तों, ये बंधन क्रिया है ना, ये बड़ी खतरनाक है। मारण, मोहन, उच्चाटन, आकर्षण, विदेशन, इन सब में आदमी का काम हो जाता है, या तो इस पार या उस पार। लेकिन बंधन क्रिया में आदमी तिल तिल मरता जाता है, जब वो देखता है कि पड़ोस की दुकान में ग्राहक जा रहे हैं, पर मेरी दुकान में एक ग्राहक नहीं आ रहा। मेरी दुकान में जो ग्राहक आ रहे हैं, सामान पटवा के जा रहे हैं, माथापोड़ी करके जा रहे हैं, कोई कुछ लेके नहीं जा रहा। कितनी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ। इतनी तकलीफों से आदमी जब गुजरता है तो डिप्रेस्ड हो जाता है, तनाव में आ जाता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। ऐसे में ऐसा आदमी अधिकतर बहुत बुरे बुरे विचार अपने मन में पालने लगता है, कुछ लोग तो सुसाइड तक कर देते हैं। भगवान की कृपा से आपको सुसाइड नहीं करने दूंगा, आपको बुरे विचारों को हटा के फेंक दूंगा, और आपकी दुकान पर किसी ने भी कुछ तंत्र मंत्र किया है, टोना टोटका किया है, उसको एक झटके में निकाल करके फेंक देंगे भगवान की कृपा से। परमात्मा की कृपा से ही सब काम होता है। हम सब तो उनकी मशीनें हैं, उनके कठपुतली हैं। वो नचाता सब ही नचावत राम गोसाई, पर वो नचाते रहते हैं, हम नाचते रहते हैं। आप उपाय नोट कीजिए, उपाय क्या है मैं बताता हूँ आपको। चार चीजें चाहिएगी आपको। गोरोचन मिलता है बाजार में, गोरोचन ले आइए, जितना ले आ सकते हैं। छार छबीला ले आइए, कुमकुम ले आइए, और कपूर काचरी ले आइए। गोरोचन, छार छबीला, कुमकुम और कपूर काचरी, ये चारों चीजें आपको पंसारी के दुकान पर तबीयत से आसानी से इजिली एक झटके में मिल जाएगी। ये चारों चीजें ले आइए। चारों चीजें ला करके आप इनका बराबर, चारों चीजें बराबर मात्रा में लानी, जैसे 20 ग्राम बोला है तो 20 ग्राम ही सब कुछ, 50 लाए तो 50 ही सब कुछ, 100 लाए तो 100 ही सब कुछ। तो चारों चीजें बराबर मात्रा में लीजिए, लेकर के आप एक चूर्ण बनाइए, एक पाउडर बनाइए, चूर्ण को लेना नहीं, पाउडर बनाइए, मतलब उसको मिक्सी में या कैसे भी कुके कैसे भी चूर्ण बनाइए। चूर्ण बना लिया आपने, ये चूर्ण बनाते समय आपको एक मंत्र का जाप करना है। उस मंत्र का जाप करते करते ही आपको चूर्ण बनाना है। अब शुक्ल पक्ष का कोई भी रविवार आएगा, उस रविवार से आपको एक काम करना है। उस रविवार से जिसे दुकान खोला, दुकान खोलने से पहले ये जो चूर्ण आपके पास चार चीजों का मिला हुआ बना हुआ है, ये चूर्ण दुकान के सामने आप डाल दीजिए। दुकान के सामने चूर्ण डालने के बाद में आप क्या करेंगे? दुकान के सामने चूर्ण डालते समय इस मंत्र का, जो आज मैं बताऊंगा, उस मंत्र का आपको प्रयोग करना, बोलना है मंत्र का। मंत्र बोलते बोलते आप कीजिए। ये काम आपको 5 दिन लगातार करना है, 5 डे कंटिन्यू, 5 दिन लगातार करना है। 5 दिन लगातार आपने कर लिया तो जो कोई भी दुकान पर बंद क्रिया है, तंत्र क्रिया है, भूत क्रिया है, डामर क्रिया है, कोई भी क्रिया, साहब स्वाह, तुरंत खत्म। नजर, फेट, फटकार, कुछ भी हो, तुरंत खत्म। और उस दिन से भगवान की कृपा से आपकी दुकान फर्स्ट क्लास चलना शुरू हो जाएगी। बस एक बार इस प्रयोग को करके देखिए। इस मंत्र को आप चाहे तो पहले भगवान के सामने, भैरव के सामने, भैरव के मंदिर में एक माला जाप करके तैयार भी कर सकते हैं, ना भी करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। उसके बाद में इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र सुनिए, मंत्र है ओम दक्षिण भैरवाय भूत प्रेत बंध तंत्र बंध निग्रहणी सर्व शत्रु संहारिणी कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा।
यह मंत्र अगर आपको काम करना है तो 3 बार आप मुझसे सुन लीजिए, मुझे फोन कीजिए, मैं नंबर अपने दे दूंगा इसमें दिए हुए, तो 3 बार आप मुझसे सुन लीजिए, क्योंकि 1 बार से ज्यादा इस मंत्र को बोलना गुनाह है। 1 बार से ज्यादा अपने शिष्य को दे सकते हो या खुद आप चुप रह करके मानसिक जाप करते हुए बोल सकते हो। तो मैं माफी चाहता हूँ कि 3 बार इस मंत्र को YouTube चैनल के वीडियो में नहीं बोल सकता, मैं आपको व्यक्तिगत इस मंत्र को सुना दूंगा। आप मुझे फोन कर लीजिए, फोन करेंगे तो जैसे शुभ समय होगा, शुभ समय देख करके मैं अपने पंचांग में आपको तुरंत ये मंत्र सुना दूंगा, ठीक है। इसके बाद में भगवान के दया से आपका कार्य व्यवसाय, उस पर किसी भी प्रकार की बंदिश हो, तुरंत हट जाएगी। भगवान के दया से आपका कार्य बहुत बढ़िया चलेगा। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता हो थोड़ा सा भी, तो इस वीडियो को शेयर करें खूब, अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ कहीं भी शेयर कर सकते हैं शेयर करें। पहली बार आप हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकॉन के बटन है वो दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आ सके। लाइक करना और कमेंट भी करना याद रख के, कोई भी बात हो कमेंट किया करो भाई, तो कमेंट करना बढ़िया रहता है। जय श्री कृष्ण मित्रों।